अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देश में जुड़े वशिष में तबियत वशि मर्ची की मनी ये वीडियो बनाने का एम तीन मकसद इसे कि हमारे माँ अच्छी शोकिंग अपडेट दिया अपडेट ही रंगा है कि वजह मामा कदीरा मोलना है तो रहमान एक्सपोज को तक वती एक वीडियो क्लिप है तो वीडियो क्लिप पर हमारा दिमाग पीछे ना भले एक बार लतिंग अब मशहूर आल दे मोलना है तो रहमान के छू अत का मामा कदीर खुशी मोलना है तो रहमान हम मार दूंगी के इसी मिसिंग पर्सन से इशू रजोरता को पता अतका में वजह गवर्नमेंट अतका मल्लुका उठ दाता पता भले पदा दीरा पद मर्दों सरपद वजह मोला नगर तो रहमान यक किसी टट्टू गवर्नमेंट जिंद ची यक टाउट गवर्नमेंट यक टाउट इसी ईशा ची अभी क्या हमें मिसिंग पर्सन से नहीं तो ईश्वर दौड़ता पूरे मल्लुक तो बस दाख पता चीचे रोचा तो धरना दाता खुशी गवा दरे सरा मर्दों ने बस खुआर खुता पता नू के हमें मर्दमा तो वजह हमें जाना चक सीरे गुस्ता कि जिन्नी नफसियाती मरीज पता तो हमी शेर अवे दीवा नंदे कि ईशी छत्तरे मर्दों निस्ती ई छी आखिरकार तो वजह मोला नगर तो रहमान कोता का इच्छा ची अभेद के मोला ना देते रहमान अनु एलान को तक कि नौ मार्च या गवादर बगे तक को एटे आराम में मैसेंग पर्सन से रिकवरी भी बीतती मामा कदीर खुशी ना बिल्कुल तो वजह पिता के तरह के वजारत दिया नगुत तो नू पिता के तो कि हमारे में गवर्नमेंट में तो हमारे में गवर्नमेंट सिलेक्ट बुद्ध गए तो हमारे में छे लॉन्ग मार्च ना को अनु वजह तो वजारत वस्ता पिता के उदा तो मिसिंग पर्सन से नहीं वस्ता नहीं आए गए मामा कदीर ठीक एक्सपोज को तो मोला ना देते रहमान और दिल्ली भी हम संगत है मोला ना देते रहमान एक्सपोज को तक खुशी सरकार ठाउटे ये बलूचे मर्दों नहीं बलूचे गपजनों नहीं मुआशमारा एक बार मोलाना है तो रहमान अवाला के मामा कदीर ची गप जता ईशान शमारा में गपन धीमा वीडियो क्लिप तो पेश दार सलामत वादे मैं मामा कदीर वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन का वाइस चेयरमैन भूगरताली कैंप से मुखातिब हूँ कि मौलाना हिदायतुर्रहमान हक दो तहरीक के सरबरा वो हमेशा भूख हड़ताली कैंप में चाहे सर्दी हो बारिश हो जिस हालत में वो कहता कि कैंप हो या कराची इजारे एकजहती के लिए आते थे। जब से एमपीए बने हैं तो प्रेस क्लब का रास्ता ही बदल दिया है। अब उसने गवादर से क्वेटा तक लॉन्ग मार्च करने का इरादा किया। सख्त अफसोस हुआ पढ़ के देखा तो सख्त अफसोस हुआ कि एक दफ़ा लापता अफराद के नाम पर एमपीए बन गए, अब वजारत न मिलने पर लापता अफराद के नाम को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक बड़ा महंगा सौदा होगा मौलाना साहब आपके लिए। हाँ अलबत्ता आप अपने ओहदे से अपने सीट से इस्तीफा दे दें, एमपीए सीट से लापता अफराद के लवाइकिन फिर आपके साथ हैं, आप गवादर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करें, हम आपके साथ हैं, मगर ना एमपीए होने के नाते हम आपके लॉन्ग मार्च को न तस्लीम करेंगे और न लापता अफराद को सौदागरी और सौदाबाजी के लिए हम आपकी हिमायत करेंगे बल्कि आपके मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे। शुक्रिया।